चीज आती है जो भी हम जिस जर्नी पे हम चले, जो हमारा सफर है, कई बार ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स होते हैं। सो यस, क्या आपने भी कुछ ऐसे स्ट्रगल्स फेस किए हैं या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? यस एक्चुअली जस्ट 6 महीने पहले मेरा एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था एंड उसकी वजह से मेरा पैर भी टूट गया और मुझे लगा कि लाइफ लॉन्ग मैं चल नहीं सकता हूँ आई वॉज मेरा दिमाग इतना ब्लॉक हो गया कि गया काम से। नाउ आई एम लाइक यूजलेस और आई कैन टेल यू दैट वॉज अ टाइम एक्चुअली मैं भक्ति टू कृष्णा, मेरा भक्ति कृष्णा का प्रति वो बढ़ गया, वो बिकेम वेरी इंटेंस एंड स्ट्रांग। मुझे एक्चुअली 4-5 महीना नींद नहीं आ रहा था क्योंकि जैसे ऑपरेशन हो गया पैर में इतना पेन हो रहा था, इसकी वजह से मेरा मन वॉज बहुत इट वॉज विचलित, मतलब इट वॉज वेरी मच फ्लक्चुएटिंग और पेन से मुझे नींद नहीं आ रहा था। तो मैं इस मन को कैसे शांत करूँ तो मैंने यूट्यूब में बहुत कुछ चीज़ खोज रहा था, ऐसा चीज़ क्या है जिससे मैं आई कैन फील मोर कंफर्टेबल। तो मैंने चौपाटी का जो ड्रामाज है वो पूरा ड्रामा देख लिया मैंने, और उनका ड्रामा इतना प्रोफाउंड है, अमेजिंग इट इज और ये जो ड्रामा ना, इट बिकेम लाइक अ हीलिंग प्रोसेस, लाइक अ रियल मेडिसिन। तो आई और इसमें से एक चीज़ मुझे साक्षात्कार रियलाइजेशन मिला है, वो क्या है कि दैट आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस एंड आई नीड कृष्णास मर्सी, तो ये चीज मुझे बार बार मेरा दिमाग में आ रहा था कि दैट द रियलाइजेशन दैट व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस इज दैट आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस एंड आई नीड कृष्णास मर्सी। देखिए हिंदी में एक कहावत है, जिसका पास संस्कार है वो स्वयं को झुकाएगा और दूसरे को खुश रखेगा, जिसका पास अहंकार है वो सबको झुकाएगा स्वयं खुश रहेगा। तो आई रियली फेल्ड कि मैं भक्ति तो अच्छे से कर रहा हूँ बट आई फेल कि कृष्णा वॉन्ट्स टू मेक मी मोर हम्बल। जैसे एक अच्छा सा उदाहरण है, जैसे मेरे पास दो मैग्नेट है, ओके, एक पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव नेगेटिव लेके आएंगे ना वो चिपकता है वो, तो पॉजिटिव इज कृष्णा, नेगेटिव इज हम जीवात्मा, तो चिपकना चाहिए। बट जब नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, जितना आगे लेके आएंगे ना पॉजिटिव विल गो बैड, बिकॉज पॉजिटिव कृष्णा है और ये नेगेटिव हम है। बट व्हेन यू बिकम कृष्णा, कितना कृष्णा का नजदीक जाएंगे कृष्णा उतना पीछे जाएंगे तो इसलिए वी शुड बिकम वेरी हम्बल देन ब्लेड ऑफ अ ग्रास तृणादपि सुनी चिन्ना तरोरपि सहिष्णुम। और हाँ, जब मुझे व्हेन आई वाज अंडरगोइंग दिस प्रॉब्लम, मैं हर रोज नरसिम्हा कवच नारायण कवच मैं सुन रहा था, बट देखिए एक प्रश्न बार बार मुझे बार बार वो प्रश्न आ रहा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो गया। मैंने मैंने पूरा जीवन भगवान के लिए दे दिया बट फिर भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम हो गया। तो मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा था एंड आई वाज नॉट गेटिंग द आंसर, आई वाज वेरी वेरी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। और जिस समय भागवतम पढ़ रहा था देन आई गॉट द आंसर। तो भागवत में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, वो है तत्तेन कंपाम सुसूक्ष्म न मानो गुंजान एवात्मा कृतम विपक्तम। मतलब भगवान विशेष कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर, भगवान कभी कुछ दंड देते हैं ना वो भी दया जैसा है ना, दयाई है वो। जब जब एक भक्त ना इसको समझाता है ना, समझता है ना, तो और सुधरता भी है, तभी वो भक्त भक्ति में आगे बढ़ेगा। प्रभुपाद जी बार बार बोलते कि सर्व धर्म परित्यज माम एकम शरणम व्रज, अहम तुम सर्व पापी अभी मोक्ष में मां सुचहा। तो मां सुचहा मतलब शरणागति, शरणागति मतलब केवल और केवल भगवान को संतुष्ट करना है, तभी भगवान के ऊपर जो हमारा है ना रति प्रेम वो बढ़ती है। जैसे हम देख सकते हैं कि जब हम बचपन में थे अवर पेरेंट्स जस्ट गिव हॉर्लिक्स हॉर्लिक्स और जब एक एक बार वही हॉर्लिक्स जो हमारे पेरेंट्स देते हैं टू गिव अस बिटर जूस अभी लगता है कि अरे मेरे पेरेंट्स वाज गिविंग मी हॉर्लिक्स बाइट, व्हाई नाउ, व्हाई नाउ, व्हाई दे नॉट गिविंग मी नाउ हॉर्लिक्स, दे गिविंग मी कड़वा जूस पता है कि अभी आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो कड़वा जूस पीने से यू विल बिकम ऑल राइट और वापसी आई विल गिव यू अगेन द हॉर्लिक्स। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि तुरंत हम भगवान को दोष देखते हैं कि तुरंत जो ओ माय पेरेंट्स पता नहीं व्हाई दे स्टॉप्ड मी, दे डोंट लाइक मी, दैट्स व्हाई दे गिविंग मी कड़वा जूस तो इसलिए व्हाट एवर गॉड डस ही डस बेस्ट फॉर अस वन थिंग आई वांट टू शेयर जनरली हमको सब पता है जब शरीर से जब आत्मा निकलते ना देन वी ऑल एक्सपीरियंस, हमारा एक अनुभव होता है कि 40,000 बिच्छू काटने का वो पेन
अनुभव होता है, यू नो. बट ये जो भक्तों का केस में इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट, यू नो. जब कोई भक्त को एक्सीडेंट हो गया, यू नो, और ही इज देखिए, इन माय लाइफ व्हेन आई मेट विद एन एक्सीडेंट, यू नो, मैं तो इंजर्ड हो गया था, यू नो, बहुत वेरी बैडली. उसकी वजह से आई बिकेम अनकॉन्शियस, यू नो. बट देखिए, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी पेन, क्योंकि जैसे मेरा एक्सीडेंट हो गया, आई बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हो गया मैं. जैसे मैं आंख खोला, आई एम सिटिंग इन द बेड एंड मेरा ग्लूकोज चढ़ रहा था. तो मैंने बोला भक्तों को, मेरा जो क्या हो गया, बोले गए आपको एक्सीडेंट हो गया. तो मैंने देखा, कह रहे मेरा पूरा शरीर सब तीखे ना करके, देन मुझे देन आई केम टू नो कि मेरा पैर टूट गया है, यू नो. तो मैं बोलने का क्या प्रयास कर रहा हूँ कि व्हेन दिस हैपेंस टू अ आउटसाइड पीपल हु आर नॉट अ डिवोटी, फॉर देम इट्स अ वेरी बिग चैलेंज. बट देखिए, इन भक्तों के लाइफ में इट्स लाइक वेरी अमेजिंग, क्योंकि भक्तों के लाइफ में आई कैन टेल यू 100% कॉन्फिडेंस, यू नो, कि कोई एक भक्त एक्सीडेंट में मर गया, तो किसी का नॉर्मल डेथ हो गया, यू नो, उनका लाइफ में भी आत्मा शरीर से बाहर आने वाला है, यू नो. बट दे विल नॉट अंडरगो द 40,000 स्कॉर्पियन बाइट, यू नो. मतलब जैसे वो शरीर छोड़ेंगे ना, जैसे वो आंख खोलेंगे, इधर दे विल बी इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, भगवद्धाम में रहेंगे, नहीं तो वो आके और कोई मनुष्य शरीर में रहेंगे, यू नो. ये भक्तों के लिए लागू होता है. बट जो भक्त लोग नहीं है, यू नो, फॉर देम, यू नो, दे रियली फील लॉट ऑफ पेन ट्रबल. इसलिए मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि कृष्णा हैज अ बेस्ट प्लान फॉर एवरीवन. सो मेरा रिक्वेस्ट है कि लेट अस टेक दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी सीरियसली, क्योंकि जो कृष्णा कॉन्शियसनेस ये है आपातकाल, इट इज एमरजेंसी. इसलिए, यू नो, एक इंग्लिश में कहावत है, इट इज बेटर टू बी अ फूल इन फ्रंट ऑफ ऑल वैष्णवास रादर देन गेटिंग बुचर्ड बाय माया प्राइवेटली. तो इसलिए भक्तों का संग रहो, यू नो, यू विल बी सेफ एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस नाइसली, एंड कृष्णा विल टेक केयर ऑफ यू. हरे कृष्ण.